हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोर स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो में यार देखो, जिमी हमारे पास आ गया है। हमने ट्रेवर के पास कॉल कर दिया था तो इसलिए जिमी हमारे पास आ गया है और हमने डिसाइड किया कि हम थोरंटन डक्कन जो है उसका पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे उसको, चवन्नी भी नहीं देंगे भाई हम, और हम इसके साथ चलेंगे। तो चलते हैं भाई, गाड़ी में बैठते हैं। और देख सकते हो यार आप लोग के पूरे घर को सिक्योरिटी से भर दिया है और चलते हैं अभी। दूसरी चीज यार देखो, हमने मेयर से भी बात कर ली थी तो मेयर ने बोला है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हें थोल्टन से निपट लेना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज का फायदा हमें जरूर मिलेगा कि अभी हमें ना कोई भी पैसा नहीं देना है और जो केस है वो उसने हटवा दिए हैं। मेयर ने बोला कि जितने भी जो केस फ्रैंकलिन पे थे वो सारे हटा दिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस जिमी के बेस पे, इसका एक सीक्रेट बेस है जहाँ पे ये रहेगा हमारे साथ ही। लेकिन जितने भी जो वेपन्स वगैरह हैं आएंगे या फिर कुछ मीटिंग्स जो होनी है वो वहीं पे होंगी ताकि किसी को भी पता ना चले। क्योंकि यार देखो, अब हमें ना थोरंटन डक्कन से डायरेक्ट दुश्मनी ले ली है तो हमें उससे बच के रहना पड़ेगा। तो बस इसीलिए यार, ये बहुत भयंकर गाड़ी चलाता है। तो लोकेशन भी नहीं लगाई है भाई हमने अभी तक, तो लोकेशन लगा लेते हैं एक बार वहाँ की। तो लोकेशन भाई मैंने लगा ली है और चलते हैं वहाँ पे जिमी के साथ। और जिमी यार गाड़ी लेके आया है, मतलब अजीब सी गाड़ी नहीं है ये गाड़ी। आप लोगों ने पहले अगर किसी एपिसोड में देखी हो तो उस एपिसोड का नाम जो बताना मेरे को, या फिर एपिसोड नंबर बताना। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जब हमें ड्राइवर का बंदा लेने आया था रोकी, तो उस वक्त हम लोग इस गाड़ी में गए थे, वही गाड़ी है ये। तो अभी चलते हैं भाई इसके मेंशन पे, सीक्रेट मेंशन पे। मेंशन नहीं है, बस एक मतलब सीक्रेट जगह है जहाँ पे सारी मीटिंग्स वगैरह होएंगी, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। और मेंशन वेंशन कुछ नहीं है भाई, मेंशन तो इनका आपको पता ही है, वहाँ पे ही है सैंडी सोर्स में। ओके भाई साहब बच के। और यार गाड़ी बहुत मस्त है भाई, दो ही बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे जो स्टोरेज है ना इस गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ रह गया भाई इसका बेस? ओके ये आ गया इसका बेस भाई। तो यार अभी ड्राइवर से भी मेरी बात हो गई थी तो ड्राइवर ने बोला कि भाई देखो मैं कुछ बंदे भेज रहा हूँ, कुछ बंदे भेजेगा वो, और इसके अलावा कुछ वेपन्स वगैरह पैसे वगैरह भेज देगा हमारे लिए ताकि हमें दिक्कत ना आए, और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ड्राइवर फिर है ही, ड्राइवर खुद भी आ जाएगा लॉस सैंटोस में। लेकिन उसने बोला है कि वो ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि ड्राइवर अगर आता है ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी, तो इसीलिए ड्राइवर नहीं आना चाहता यार। तो चलते हैं भाई यहाँ से। ये देख सकते हो आप, ये बार है ऊपर, लेकिन हमें यहाँ बार में कोई काम नहीं है, और भी नीचे जाना है हमें, तो और भी नीचे है हमारा जो सीक्रेट बेस है वो। तो चलते हैं भाई अंदर। ओके तो भाई साहब देखो, ये यहाँ पे कुछ बंदे हैं, ये मतलब बार के ही बंदे हैं, बार के कुछ मेंबर्स हैं, और ये इसकी जगह है जहाँ पे एक सोफ़ा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इस साइड हो गया। तो ये तीन सोफे हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए जो भी बंदे आएंगे वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और छोटे मोटे गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये एक रूम है जो सीक्रेट रूम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और यहीं पे फ्रैंकलिन और जिमी रहेंगे नहीं, मीटिंग करेंगे सिर्फ, रहेंगे फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पे, क्योंकि जो फ्रैंकलिन का जो मेन मेंशन है वो आप लोगों को पता है लेमार ने ले रखा था, और लेमार वहीं पे रहता है, और लेमार अभी आया भी था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो एपिसोड के स्टार्टिंग में तो लेमार फ्रैंकलिन के ओल्ड हाउस पे ही था। तो वो क्यों आया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो सिर्फ यही न्यूज़ लेके आया था कि बेलास जो गैंग है वो हमेशा फ्रैंकलिन के साथ है, हमेशा मतलब हमेशा,
तो बैलास गैंग का यार हमें सपोर्ट है, और बाकी यार हमारे पास जिमी है। जिमी एक किलर वो है भाई, ये एक ऐसा बंदा है जो किसी को कुछ नहीं समझता, और ट्रेवर की इज्जत करता है, और ट्रेवर जैसा बोलता है ये वैसा ही करता है, और ट्रेवर ने अब इसको बोला है कि फ्रैंकलिन जैसा बोलेगा तुझे वैसा करना है, तो अब ये हमारे साथ रहेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले एपिसोड में वेपन्स के साथ, क्योंकि अब होने वाली है शुरुआत एक महायुद्ध की। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हो आगे क्या थ्रिल आने वाला है, कैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लो, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप लोग रह सके हमारी वीडियो से हमेशा अप टू डेट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।